वेलकम मैन, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में MNSCBT 2024 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 3 ट्रिप्स मैं गुरकीरत आपके लिए लेकर आई हूँ। डियर एस्पिरेंट्स, मुझे पता है नीट एग्जाम के बहुत सारे एक्स वाई जेड इश्यूज के बाद में फाइनली अब आपका दिमाग थोड़ा सेटल हुआ होगा और CBT की प्रिपरेशन में लगा होगा। जहाँ CBT की प्रिपरेशन आप बहुत जोर शोर से कर रहे हो, रीजन बीइंग अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, किसी भी समय हो सकता है। नोटिफिकेशन आते ही आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि इमीडिएटली 30 डेज के अंदर आपके एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और आप नोटिफिकेशन आते ही उसके बाद आपके पास में बिल्कुल वक्त नहीं बचेगा एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन का। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम काम कर रहे हैं इस समय और जो अभी हमारे पास टाइम है उसको सही से यूटिलाइज कर ले, नोटिफिकेशन का वेट ना करें। अपने इंटरव्यू के लिए अपने लेवल से जो हम तैयारी कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए। तो आइए, टॉप 3 पॉइंट्स मैं गुरकीरत आज आपसे साझा करना चाहती हूँ, जिसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हाँ जी, ये फर्स्ट पॉइंटर है मेरा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि आप आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने वाले हो और मिलिट्री नर्स की तरह नहीं ज्वाइन करने वाले हो, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर की तरह ज्वाइन करने वाले हो। तो एक सिंपल सी बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ, टू बी एन ऑफिसर फर्स्ट बिहेव लाइक वन। अफसर बनने से पहले आपको पहले अफसर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, उसकी तरह सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, व्हाट्स एवर इट इज, आपको उसी के स्टाइल में करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें अपने बारे में सबसे पहले इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपने आप को जानना है, विद इन हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो कमियां हैं, ये सब हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। तो अभी सबसे पहले क्या करोगे आप, एक कॉपी बनानी है, एक कॉपी में सबसे पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हेडिंग डालना है। उसमें क्या करना है, उसमें अपने बारे में लिखना है कि फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, ठीक है। स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रेंथ लिख सकते हो आप उसके अंदर अपनी, ठीक है। आप अपनी वीकनेस के बारे में उसके अंदर मेंशन करिए, आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट यू लाइक डूइंग, आपको क्या अच्छा लगता है वो आप लिखो। आपकी हॉबीज क्या हैं आप वो उसके अंदर लिखो। अपने इंटरेस्ट के बारे में आप उसके अंदर मेंशन करो। आप उसके अंदर ये मेंशन करो कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनका नाम क्या है और आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं, या अगर आपके जो बेस्ट फ्रेंड है वो अगर आपके अंदर कोई कमी बताएंगे तो वो मेरे अंदर क्या कमी बताएंगे, मेरे अंदर मेरे बेस्ट फ्रेंड को क्या बुराइयां लगती हैं, आप उसके बारे में मेंशन करो। आप ये मेंशन करो कि आप कहाँ से, किस सिटी से बिलोंग करते हो, उस सिटी की 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप इसके बारे में याद करो। उस सिटी के अंदर अगर 3 आपको बोला जाए इंप्रूवमेंट करनी, आप क्या बताओगे। उस सिटी के अंदर 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं इस समय चल रहे हैं बड़े वाले, जिससे पूरी सिटी को या डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होने वाला है, आप उस चीज़ को मेंशन करो। सिटी के जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, सिटी की कनेक्टिविटी कैसी है उसके बारे में पता होने चाहिए। सिटी में अगर आपको किसी को घुमाना है तो कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप किसी को ले जा सकते हो घुमाने के लिए, आपको वो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपको ये पता होना चाहिए आपका ब्लड ग्रुप लेवल क्या है। आपको अपने बारे में जितनी चीज़ें फिजिकल एट्रीब्यूट से पता होनी चाहिए उतनी ही मेंटल एट्रीब्यूट से पता होनी चाहिए कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है, आपका दिल क्या कहता है। सिर्फ MNS का फॉर्म सिर्फ जॉब पाने के लिए भरा कि सच में आपकी इच्छा है जॉब पाने के लिए, आपका इंस्पिरेशन क्या है MNS ज्वाइन करने के लिए, आपका इंस्पिरेशन क्या था नर्सिंग ज्वाइन करने के लिए, क्या आप सच में सेवा करना चाहते हो या फिर सिर्फ आपका एक ओरिएंट है, एक गोल है कि मुझे सिर्फ मनी ओरिएंटेड है हूँ मैं और मुझे पैसा कमाना है जीवन में और अपनी लाइफ लैविशली जीनी है। क्या आप 14 साल की नौकरी देश की सेना के लिए कर पाओगे, आप उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर पाओगे, 14 साल इधर उधर पोस्टिंग झेल पाओगे, इतने सारे प्रेशर में काम कर पाओगे, XYZ चीज़ है। तो ये सब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में आता है। जब आप ये कर लोगे ना, आप देखोगे कि आधे से ज़्यादा इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस काम को आपको सबसे पहले करना है। फॉलोड बाय दैट जो सेकंड टिप है, दैट इज़ सेल्फ इंट्रोडक्शन। देखो, किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हो आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन मैं अब आपको ये भी बता देती हूँ कि आप जो भी इंटरव्यू का एक फेस है, लोग आपको डायरेक्टली नहीं बोलते इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, क्योंकि इंटरव्यूज में जनरली क्या होता है, आप रिज्यूमे देते हो, नहीं तो अभी क्या है फौज में PIQ फॉर्म होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, जहां आप ऑलरेडी अपनी सारी चीजें मेंशन करते हो। बट स्टिल, अगर हमें अपने आप को बारे में इंट्रोडक्शन कोई मांग लेता है तो हम कितना कॉन्फिडेंटली अपने बारे में बताते हैं, अपने नेम को किस तरीके से हम बता रहे हैं, हम कैसे अपने फैमिली के बारे में बता रहे हैं, अपने हॉबीज के, अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, हम आगे हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे अचीवमेंट्स क्या रहे हैं जीवन में, ये सब चीजें कैसे आप इनकल्केट कर रहे हो। तो एक स्टैंडर्ड सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको रेडी करना पड़ेगा, जो अगेन आपको, यू नो, आपके पहले क्वेश्चन में
आगे सामने वाले बैठे इंटरव्यूइंग पैनल को इम्प्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर प्रूव होने वाला है। मेरी जो थर्ड टिप ऑफ द डे है वो ये है कि फिजिकल फिटनेस। हाँ जी, अब आप कहोगे MNS में तो मैम देर इज़ नथिंग लाइक फिजिकल का कोई एग्जाम होता है। देखो एग्जाम नहीं होता, मेडिकल टेस्ट होता है, बट दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट जब एक स्मार्ट कैंडिडेट अंदर जाता है, फिजिकली फिट गुड फिजिक का कैंडिडेट अंदर जाता है और वो MNS बोलता है कि मुझे ऑफिसर बनना है, और जब ना सिर्फ उसके शब्द बल्कि उसके जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसकी बॉडी है, पर्सनालिटी है, उसका ऑरा है, वो सब चीज़ें चीख चीख के कहता है कि हाँ मुझे MNS ऑफिसर बनना है, तो डेफिनेटली देर इज़ नो वे कि आपको पॉइंट्स कम मिले या आपको जो है सिलेक्ट ना किया जाए। तो अगर आप ओवरवेट हैं, ठीक है, आप अपने वेट को थोड़ा रिड्यूस करिए, अभी भी आपके पास एक महीने तक का समय है, आप आराम से 5 से 10 किलो वेट रिड्यूस कर सकती हैं अगर आपको लग रहा है आपका वेट ज़्यादा है, या आप एटलीस्ट फिजिकल फिट शेप एंड कंडीशन में आ सकते हो, जो कि एक मुझे लगता है कि एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पोजिशन होना चाहिए आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनने के। तो डियर एस्पिरेंट्स, साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हो, आप फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हो, डेली वॉक पे जा सकते हो, बैडमिंटन, टेनिस, व्हाटएवर इट इज, कुछ खेल सकते हो। अगर आपसे फिजिकल फिटनेस के एस्पेक्ट में कुछ पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो अगर आप बताओगे कि मैं रेगुलरली ये चीज कर रही हूं, अगर उस पर क्रॉस क्वेश्चन होगा, आप जवाब दे ले गए, तो डेफिनेटली आप पैनल को इंप्रेस करोगे, जो अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन के और नजदीक लेकर जाएगा। विद दिस एस्पिरेंट्स टीम सेंचुरियन लगातार लगी हुई है आप सभी के लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाने के लिए, अपने ऑनलाइन कोर्स के तहत आप सभी को फुल कोर्स के तहत एजुकेशन देने के लिए। धीरे धीरे हम MNS CBT और इंटरव्यू से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस और बढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आता रहेगा। इतना प्यार, लव, ट्रस्ट शो करने के लिए, फेथ शो करने के लिए टीम सेंचुरियन में थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप सब लोग शाइन करते रहे। आई बिलीव हमारा जो ट्रेडिशन है ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 MNS पर प्रोड्यूस करने का, वो इस बार भी मेंटेन रहेगा, और हमारे ही बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जैसी बहुत ब्यूटीफुल रैंक्स के साथ पास आउट होंगे, और टीम सेंचुरियन का नाम एंड अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद। And yes, if you're watching the video for the first time, अगर आप भी enrollment लेना चाहते हो सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के MNS CBT के क्रैश कोर्स में, 9795977776 पर कॉल करके enrollment ले सकते हो, और अपने कोर्स की प्रिपरेशन हमारे यानी इंडिया बेस्ट MNS कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में कर सकते हो। विद दिस थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद।